हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन जनरे दे तिमन। बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वालों को प्राथमिक से बाहर कर दिया था। बीएसटीसी और बीटीसी को प्राथमिक में एलिजिबल माना है। तो अभी आपके सामने एक न्यूज आ रही है कि बीएड वालों ने दोबारा से जो है केस डाल दिया है। पहली बात तो ये कि 11 अगस्त 2023 को डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आया था, उसके 30 दिन के अंदर रिव्यू पिटीशन डालना होता है कि दोबारा से जो है सुप्रीम कोर्ट इस बारे में विचार करे, पुनर्विचार करे, क्योंकि बीएड वाले यानी दूसरा जो पक्ष है वो इससे सहमत नहीं है, उनके जो है साथ सही नहीं हुआ है। तो 11 अगस्त से लेकर 11 सितंबर के बीच में जो है रिव्यू पिटीशन डालना था, बट नहीं डाला गया। तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगने की याचिका लगाई जा रही है कि हम जो है रिव्यू पिटीशन के लिए लेट हो गए हैं, समय पर नहीं लगा पाए हैं और हमें जो है रिव्यू पिटीशन लगाना है। तो बस इसी बारे में बीएड डिग्री धारियों ने कोर्ट में जो है माफी मांगने के लिए जो है फाइल लगाई है कि हम जो है लेट हो गए हैं। उसके बाद जो है रिव्यू पिटीशन लगेगा और उसमें जो है दोबारा से जो है वो विचार किया जाएगा कि जो दूसरी पार्टी है उसके साथ जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहीं अन्याय तो नहीं कर दिया है। तो ये चीज है, बिल्कुल आपके सामने क्लियर है कि अभी जो है किसी भी प्रकार का कोई ऐसा केस जो है वो नहीं लगा है। आप लोगों के सामने जो न्यूज आ रही है उसे आप भ्रमित ना हो। ऐसी अगर कोई भी आपके सामने अगर कोई न्यूज आती है तो आप बिल्कुल हर चीज को जो है ऑफिशियली चेक करें, उसके बाद जो है उस पर विश्वास करें। तो अगर कोई ऑफिशियली ऐसी कोई न्यूज आती है तो मैं आप लोगों के लिए चैनल पर जरूर वीडियो बनाकर आप लोगों को बताऊंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।